सुश्रुता इंटरनेशनल क्लिनिक में आप सबका स्वागत है दोस्तों। मेरे पास हर तरह के पेशेंट आते हैं, गरीब होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, पैसे वाले भी आते हैं। तो आज का ये पेशेंट मुझे जो फीडबैक देने जा रही हैं, ये इनके हस्बैंड की लास्ट ईयर डेथ हो गई थी और अपना घर ये जैसे तैसे अपना खर्चा निकाल रही हैं, बच्चे हैं, खुद कमा कर थोड़ा बहुत पैसा जो भी ये कर पा रही हैं। तो इनकी स्टोरी सुनने के बाद पैसा भी नहीं है इनके पास कोई ख़ास। हम लोग कोऑपरेट करते हैं, कई पेशेंटों को बहुत तो सपोर्ट करते हैं, पैसों की दिक्कत जिनको होती है एक्सेप्ट जो बहुत चालू और कंजूस होते हैं। तो इनको फिस्टुला था, फिस्टुला एनल पे एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें नासूर बन जाता है, समय पे अगर इलाज नहीं कराएंगे तो नासूर बढ़ के मल्टीपल ओपनिंग हो सकती है, एब्सेस बन सकता है। और फिस्टुला एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें अच्छा खासा पैसा खर्चा होता है पेशेंट का। तो हर पेशेंट को तो हम लोग रियायत नहीं दे पाते हैं, बस जो नीडी होते हैं उनकी हम लोग ज़रूर मदद करते हैं। इनकी लगभग मैंने लगभग पैसा नहीं लिया है इनसे ट्रीटमेंट का, लगभग पैसा नहीं लिया है, कुछ हज़ार लिए होंगे, कुछ एक आध हज़ार। इनका फिस्टुला लगभग हमने ना के बराबर पेमेंट लेके इनको मैंने ठीक किया है फिस्टुला, और वो भी सिर्फ एक महीने के अंदर। दो बार या तीन बार मैंने चार सूट चेंज किया था इनका, एंड फोर्थ विजिट में जब नासूर छोटा हुआ तो इनको हमने छोटा सा ऑपरेशन कर दिया था, और आज ये एक महीना हो गया इनका, ये बिल्कुल रिकवर हो गए हैं। आप अपना खर्चा कैसे चलाते हैं? सर मेरा खर्चा बस मैं एक स्कूल में चपराकी से नौकरी करती हूँ, उसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ सर। तो देख सकते हैं कि भगंदर एक ऐसी बीमारी है जिसमें काफ़ी खर्चा होता है, आर्थिक स्थिति इनकी काफ़ी ख़राब थी, और जब हमने चेकअप किया था तो मवाद आ रहा था इनका, प्राइवेसी के लिए हम इनकी पिक नहीं दिखाएंगे, बट जितना हमने कॉपरेट किया है इनका कॉपरेट हम कर पाए हैं। तो आपने अलग अलग डॉक्टर के पास गए थे? हाँ सर, मैंने अलग अलग डॉक्टरों से पास गई थी, मेरे कई आराम नहीं मिला था। तो बेसिकली इनको एंटीबायोटिक और दूसरे मेडिकेशन दिए जा रहे थे डॉक्टर, फिस्टुला का कोई खास कोई ट्रीटमेंट इनका नहीं हो पा रहा था, और यहाँ पे आए हमारे पास ये। और कितना समय लगा मुझे? सर मुझे 20 से 25 दिन तक इतना समय लगा। लगभग 30 डेज के अंदर इनका हमने फिस्टुला बिल्कुल रिकवर किया है। पहले कुछ हफ्ते चार सूत किए, देन एक छोटे सा ऑपरेट करके हमने इसका रिमूव कर दिया, तो आज ये बिल्कुल ठीक है। फाइनल का चेकअप किया, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं ये, ठीक है। और कुछ अपना आप बताओ हमारे इलाज के बारे में, कैसा क्या लगा? सर डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इलाज करते हैं, कम पैसों में भी करते हैं। ये बोल नहीं पा रही है, एनीवे अभी बिल्कुल ठीक हैं आप। हाँ। अपना ध्यान रखें। हमारे देश में चाहे जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, मेरा अनुभव है मेरे पास जो मरीज आते हैं, गरीब हो या अच्छी कंडीशन हो, कई पेशेंट को मैंने देखे हैं वो अपना केयर नहीं करते हैं, डिजीज़ को बढ़ाते हैं, डिजीज़ बढ़ता जाता है, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कुछ होम्योपैथिक ले रहे होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं, और सीरियस नहीं होते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब आपका ये फिस्टुला नासूर आपका बहुत बढ़ जाएगा, तो जितना ट्रैक लंबा होगा, जितना मल्टीपल ट्रैक बनेंगे, उतना ही इलाज इसका मुश्किल होता है। कुछ कंडीशन में तो चारसूत करना भी बड़ा मुश्किल लगता है। तो डिजीज़ जिसको भी भगंदर की समस्या है, उनका डॉक्टर ने चेकअप किया है, अपने एक्सरे वगैरह कराया है, तो आपको किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाके तुरंत इलाज करना चाहिए, कराना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए, इस बीमारी को बढ़ने नहीं देना चाहिए। तो भले ही आपको तकलीफ ना हो रही हो, उसमें फिस्टुला बन गया है और आप बीमारी को इग्नोर कर रहे हैं, महीनों से सिर्फ कुछ मेडिकेशन लेते हैं या जब तकलीफ पड़ती है तब डॉक्टर के पास जाते हो, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें बीमारी जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इवन इसमें जब मल्टीपल ओपनिंग हो जाती है तो बहुत बड़ा अगर एब्सेस बनता है तो कैंसर चांसेस भी होते हैं। तो सभी मरीजों से यही अनुरोध करूँगा कि प्रॉपर ट्रीटमेंट किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके जरूर लें,
टेम्प्रेरी मेडिकेशन ना करें, बीमारी फिस्टुला की कभी भी नहीं रुकती है, वो बढ़ती जाएगी। और 99% फिस्टुला केसेस सिर्फ दवाइयों से नहीं ठीक होते हैं। चार सूत करा सकते हैं, लेज़र करा सकते हैं, सर्जरी करा सकते हैं, जैसे भी हो, जो भी आपका हो ट्रीटमेंट सही लगे उस माध्यम से आप इलाज कराएं और बीमारी को बढ़ाएं नहीं। थैंक यू।